अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही किफ़ायत वाली, बचत वाली और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में हम एक लेडीज़ पैंट बनाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मीटर फैब्रिक में, एक मीटर के कपड़े में बनाएंगे। मेरे पास जो टोटल कपड़ा है उसकी 42 इंचेस उसकी लेंथ है और 4 फोल्ड में उसकी 14 इंच उसकी विड्थ है, उसकी चौड़ाई है। सबसे पहले मैं ट्राउज़र की लंबाई के लिए 38 इंच लूँगी। मीडियम साइज़ का हम ये ट्राउज़र तैयार करें जिसकी लेंथ होगी 38 इंच। 38 इंच लेके नीचे 2 इंच पंच का हम निकाल लेंगे इसमें से, ऊपर से बाकी 36 इंच पे हम मार्क करके एक लाइन लगा लेंगे सीधी। इसमें मैंने ऊपर से 2 इंच का बेल्ट भी लगाना है फ्रंट और बैक का, इसलिए मैंने 36 इंच ये रखा है पंचे के बगैर। ये लाइन लगाने के बाद हम ऊपर से वेस्ट की मेजरमेंट लेंगे। वेस्ट का मैं करूँगी 10 इंच पे मार्क और नीचे आसन के लिए 11 इंच पे मार्क करके इस तरह से, जैसे नॉर्मल साइज़ का हम बनाते हैं नॉर्मल ट्राउज़र, उस तरह से मैंने एल शेप दे के इसको इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। अब ये जो मेरी मेजरमेंट मैं ले रही हूँ, जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ मार्किंग, ये ऊपर वाली साइड की मार्किंग कर रही हूँ मैं, फ्रंट साइड की 10 हमने वेस्ट रखी है, 14 क्योंकि इसकी विड्थ है तो 14 ही हमने इसकी थाई की मेजरमेंट जो है हम इतना ही रखेंगे। अब ऊपर क्योंकि हमारी वेस्ट 10 है तो नीचे भी हम 10 का निशान लगा के सेंटर मार्किंग करेंगे 5 पे। पैंचा मैं बनाऊंगी 6 का, 5 का जो मार्क है उसको सेंटर में रखते हुए 3 इंच इधर और 3 इंच लेफ्ट और राइट पर रख के मैं 6 इंच का एक निशान लगा लूँगी। ये देखिए जो मैंने सेंटर मार्किंग की है ऊपर से नीचे तक किस तरह से, पूरा मैंने निशान नहीं लगाया, सिर्फ अंदाजे से नीचे से ही मैंने कर लिया। अब ये देखिए पैंचे का जो मेरे फोल्डिंग का कपड़ा है उस पर भी सीधी लाइन लगाऊंगी। अब लेंगे ये स्केल, स्केल की मदद से हम ऊपर से 6 इंच का जो निशान था वहाँ तक हम इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। ये जो मैं लाइन ड्रा कर रही हूँ ये फ्रंट साइड की है, ये देखिए दोनों साइडों से करने के बाद ये हमारी फ्रंट की हो गई मार्किंग कंप्लीट इस तरह से। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब ऊपर से मैं 2 पल्ले उठा के मैंने ऊपर से 2 साइडें उठा के मैंने ये देखिए कट किया और कपड़ा पीछे कर दिया एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था। अब फ्रंट का ऊपर से हमारी लेंथ पूरी हो गई, अब 2.5 इंच हम पीछे की मार्किंग में करने लगी हूँ। इधर ही मैं मार्किंग करके ऊपर से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं, बैक साइड लंबी लेके उसे तिरछी लाइन लगाई और 2.5 इंच इस तरह से हम लेंगे। अब देखें ये जो चौड़ाई है सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड की, बैक साइड तो हमें ज़्यादा लेनी होती है, वो हम क्या करेंगे, अब नीचे से मार्किंग स्टार्ट करेंगे हम। साइड वाली कटिंग भी हम फ्रंट और बैक की सेम करते हैं, वो भी हमने कर ली एक के साथ, बैक साइड की तिरछी कटिंग कर दी हमने। ये देखें साइड की दोनों कटिंग होगी, ऊपर से भी हमने वेस्ट ही कर ली। अब ये मैं फ्रंट साइड की जो लेग थी जिसकी मैंने 6 इंच पे मैंने निशान लगाया था उसकी, कि अब नीचे से 1.5 इंच से मैंने मार्किंग इस तरह से स्टार्ट करनी है। आहिस्ता आहिस्ता ये निशान हम 1.5 से 1.75 इंच, 1.75 से 2 और ऊपर तक हम ले जाके आसन तक 2.5 इंच, ये फैब्रिक जो है हम 2.5 इंच तक ले जाते हैं। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह से बढ़ाते जाएँगे तो यहाँ पे आके हमारा कपड़ा एंड हो गया। तो हमने क्या करना है, जो साइड से मैंने ये फैब्रिक लिया है इसको मैं लूँगी 2 फोल्ड, क्योंकि सिर्फ हमें बैक साइड पे छोटी छोटी कलियाँ डालनी है तो 2 फोल्ड मैंने लेना है। 2 तह कपड़ा मैंने इस तरह से इसको रखा 1/2 इंच ऊपर करते हुए, ऊपर ओवरलैप करते हुए कली का कपड़ा 1/2 इंच और नीचे की साइड का 1/2 इंच मैंने ओवरलैप करते हुए इस तरह से। देखिए अब 2 इंच का मैंने निशान लगाया और आसन तक ले जाके 2.5 इंच तक मैंने इसको इस तरह से मार्किंग की है। मार्किंग करके हम इसको निशानों को मिला देंगे इस तरह से। अब क्या होगा, फ्रंट साइड हमारा बिल्कुल सीधा सीधा निकल आया है, बैक साइड पे छोटी सी ये कली डली है, थोड़ा सा जोड़ है जो कि स्टिचिंग के बाद आप देखिएगा नज़र भी नहीं आ रहा, बहुत कम, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। लेकिन हमारा ये मीडियम टू लार्ज साइज़ मैंने ट्राउज़र सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक में बना लिया। ये देखें टांग की भी कटिंग कर ली ऊपर से, ये देखें कली किस तरह से हमारी कटिंग करने के बाद किस तरह से इतनी छोटा सा जोड़ी हमारा डलेगा 2.5 इंच का और हमारा ट्राउज़र जो होगा परफेक्ट तैयार हो जाएगा। बहुत दफ़ा हमारे पास होता है फैब्रिक कम होता है या फिर इस तरह से होता है कि हमें कोई पीस मिल जाता है बहुत अच्छे सा बहुत कम रेट पे, ये पीस मैं सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ में लाई थी
बहुत ही प्यारा कपड़ा था, मुझे कपड़ा बड़ा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और ये देखिए मेरे शर्ट के साथ भी मैच हुआ, तो मैंने कितनी प्यारी पैंट इससे मैं अब तैयार करूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ। अब बाकी पैंट तो मैंने कटिंग कर लिया, ऊपर से बेल्ट की कटिंग करनी है। जो कपड़ा बचा था ऊपर से उसकी हम दो बेल्ट निकालेंगे, फ्रंट की और बैक की। ये देखिए फ्रंट को इस तरह से कट करके हमने दो नोचिस लगाने, एक इंच के फासले पे इधर रखा तो एक कट। अब इसी कट से एक इंच के फासले पे दूसरा कट। अब मैं फ्रंट साइड पे दो प्लेट्स डालूँगी, राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे। इसी प्लेट को पकड़ के हम ट्राउज़र की क्रीज जो होती है वो बनाएंगे, वो मैं आपको एंड में दिखाऊँगी। ये देखिए दो पट्टियाँ काटी, चार चार इंच चौड़ी, पाँच इंच चौड़ी या चार इंच चौड़ी, आप ये बेल्ट दो बना लेंगे किस हिसाब से जितना हमारी चौड़ी वेस्ट होगी और बैक साइड होगी उसी हिसाब से हम। अब ये फ्रंट हमारा लैदर से स्टिच होगा, बैक लैदर से स्टिच होगा, बैक साइड पे इलास्टिक डालूंगी मैं। फ्रंट साइड पे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये पट्टी लगानी है और उसके बाद मैंने बाकी ट्राउज़र जैसे नॉर्मल होता है उस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए मैंने ट्राउज़र स्टिच कर लिया, कितनी प्यारा ये लग रहा है। एक तो ये फैब्रिक बहुत प्यारा है, कलर भी बड़ा अट्रैक्टिव है और स्टिचिंग देखिए कितनी मज़े की हुई है। जोड़ देखें ज़रा, ये कितना कम जोड़ है, 1 मीटर फैब्रिक में इतने मज़े का मीडियम टू लार्ज साइज़ का ये ट्राउज़र तैयार हुआ है। कितना खुला है ऊपर से, और ये देखिए मैंने पिंस लगाई हुई फ्रंट से क्रीज बिठाने के लिए। ये देखिए आप इस स्टाइल में मैंने कभी भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं देखी इस तरह से। जो भी ट्राउज़र बनाते हैं उनका स्टाइल थोड़ा सा चेंज होता है, मेरा जो स्टाइल है आप इस तरह से बना के देखिए, बहुत ही परफेक्ट पैंट की शेप में ट्राउज़र बनता है। फ्रेंड्स वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए ये प्लेट्स जो मैंने लगाई हैं वहाँ से दोनों को फोल्ड किया, इस तरह से मैंने फ्रंट की क्रीज बनाई और बैक साइड की भी इस तरह से सिलाई पे सिलाई रखते हुए। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। अपना अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा।